छत्री कलचुरी मकलवार महासंघ एवं युवा शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वाधान में झांसी के लक्ष्मी गेट स्थित लक्ष्मी तालाब के निकट श्रीमंत महाराजा गंगाधर राव जी की पुण्यतिथि मनाई गई। समाधि को फूलों से सजाकर दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं दीपदान किया गया। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर कंचन जायसवाल ने समाधि स्थल की दुर्दशा के लिए पुरातत्व विभाग एवं जिला प्रशासन से गंगाधर राव समाधि की मरम्मत कराने की मांग की है। आज 21 नवंबर के दिन अगर हम पूर्व के इतिहास में देखें तो 21 नवंबर 1853 को श्रीमंत महाराजा गंगाधर राव के देहावसान उनका हुआ, और आज उसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ मिलकर गंगाधर राव की समाधि पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय अजीत राय जी, जो कलचुरी कलवार महासंघ के अध्यक्ष हैं, इतिहासविद एवं बहुत पुराने हमारे जर्नलिस्ट आदरणीय मोहन नेपाली जी, विशाल गुप्ता जी, हरी राय जी, और हमारे तमाम समाज से भी बंधु, जिन्होंने कि अपनी सच्ची श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि महाराजा श्रीमंत गंगाधर राव को अर्पित की। आज युवा शक्ति संगठन एवं क्षत्रिय कलचुरी कलवार महासंघ के द्वारा श्रीमंत गंगाधर राव की समाधि पर सभी पदाधिकारियों ने दीपदान किया एवं पुष्पांजलि की एवं समाधि को फूलों से सजाया गया। इसमें कंचन जायसवाल के मुखातिथ में विशाल गुप्ता, संजय पटवारी, हरीश राय आदि तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।